ਲਾਗਤ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਪੜਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ 12 ਵਜੇ ਲੱਗੇ 60-70 ਸੈਂਟਰ ਲੱਗਦੇ 25 ਸੈਂਟਰ ਲੱਗ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ 500 ਦਾ ਜੀ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਫਿਰ ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਜਨਤਾ ਕੀ ਕਮਰ ਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋੜ ਕੇ ਵੀ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਦਿਆ ਹੈ ਮਧਿਅਮ ਵਰਗ ਕੇ ਸਿਸਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਨਕੋ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਤਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਤਨਾ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣਾ ਕਹਾਂ ਸੇ ਲੇਂਗੇ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਮੈਂ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਅਭੀ ਹਮ ਕਲਾਇਤ ਕੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਮੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੀਛੇ ਕੀ ਤਸਵੀਰੇ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ ਅਗਰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਵਸੂਲੀ ਕੇਂਦਰ आप सीधा सीधा यहाँ पर देख सकते हैं आप मेरे सवाल पर सवाल उठा सकते हैं कि मैं इसको वसूली केंद्र क्यों कह रहा हूँ हो सकता है कि आपका यह सवाल मेरे से हो लेकिन वसूली केंद्र का मतलब ये है कि पिछले 6 महीने में जो रसोई गैस की कीमतें हैं वो लगभग 140 रुपए की उसमें बढ़ोतरी हुई है और अगर इस साल की बात करें तो 190 रुपए की बढ़ोतरी रसोई गैस की कीमतों में हो चुकी है जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल दिनचर्या की वस्तु बन चुका है दिनचर्या की चीज बन चुका है कि लोग पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करना नहीं छोड़ सकते उसी तरह से रसोई गैस का भी लोग इस्तेमाल करना नहीं छोड़ सकते चाहे उसकी कीमत कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो जाए सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि कल यानी कि 1 सितंबर को पूरे देशवासियों को रसोई गैस की कीमतों के माध्यम से एक तोहफा मिला सरकार की तरफ से वो तोहफा क्या था कि 25.50 यानी कि 25.5 रुपए की रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई जहां सरकार को एजेंसियों को ये चीज़ें कम करनी चाहिए वहां दिन प्रतिदिन जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है लोगों की उनमें बढ़ोतरी होती नज़र आ रही है चाहे पेट्रोल डीजल के दाम हो या रसोई गैस की कीमतें हो आज दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं 1 तारीख का दिन तय होता है कि रसोई गैस की कीमत जो रसोई गैस की कीमत है वो कम होंगी या ज़्यादा होंगी कि सभी कंपनियां 1 तारीख को डिसाइड करती हैं तो 1 सितंबर को लोगों को ये तोहफा मिला कि उनकी कीमतों में बढ़ोतरी हो गई अब उनकी जेब से जब पहले 850-850 रुपये जाते थे अब उनकी वो लगभग 900 के करीब उनको खर्च करने पड़ेंगे एक सिलेंडर को लेने के लिए तो तमाम अभी हम कलायत की अनाज मंडी में यहाँ पर लोग अलग अलग जगह से सिलेंडर लेने के लिए भी आ रहे हैं और ये एजेंसी के लोग मौजूद हैं यहाँ पर जो सप्लाई कर रही हैं जो भी आता है लेने के लिए उनको देते हैं तो इनसे जानते हैं कि कल की कीमत बढ़ने से कितना असर पड़ा है यहाँ पर इनके काम में या सिलेंडर में पहले कितनी लागत थी और अब कितनी लागत है तो क्या नाम है जी गोगी नाम है सर मेरा ये आप कितने बजे से कितने बजे तक रहते हो यहाँ पे सुबह 9 बजे आते हैं यहाँ 5 बजे तक रहते हैं शाम को 5 बजे तक रहते हो तो अभी ये आपको क्या लगता है कि जैसे हर महीने या 2 महीने बाद कीमत बढ़ जाती है गैस की जितनी कम नहीं होती उतनी बढ़ जाती है तो लागत पे कितना असर पड़ता है लागत पे पूरा असर पड़ेगा जी नहीं 12 बजे लगे 60-70 सेंटर लगे 25 सेंटर लगे बस सुबह के 12 बजे लागत पे पूरा असर पड़ रहे हैं मतलब हर बार की तरह इस बार भी असर पड़ रहा है फुल पड़ रहा है जी जैसे तो जो क्या गरीब मानस क्या करेगा इतना महंगा सेंटर लेने आमदे नहीं कोई अच्छा गरीब आदमी के बस की बात नहीं है नहीं बिल्कुल तो आप यहाँ पर दो लोगों की ड्यूटी है हाँ जी सर यहाँ पर कितने सिलेंडर आप लेके आते हो मैं कभी कभी 100 भी ले आवा 110 भी ले आवा आज 80 ले गए हैं अच्छा और मतलब अभी तक कितने लगे हैं वैसे 25-30 के लगभग लग रहे होंगे 25 हैं 5000 ऊपर होंगे अच्छा और वैसे कितने लग जाते थे डेली क्लियात हुए मंडी मंडी में 100 सेंटर डेली लग जाती ये बहुत आधो का फर्क पड़ रहा है तो यहाँ पर और लोग भी आए हैं सिलेंडर खरीदने के लिए तो हम उनसे भी बात करते हैं एक बार क्या नाम है भाई भाई रोबिन है भाई अच्छा रोबिन भाई पता है आपने रसोई गैस की कीमत बढ़ गई पता है जी पता है जी तो क्या लगता है आपको कि ये ठीक है सरकार की तरफ से या नहीं जी गलत है जी सरकार की तरफ से हाँ जी क्यों मतलब क्यों गलत है एक गलत है कि जी नीचे जाट के तो कम सिलेंडर दे रहे हैं जी फ्री में जी और यहाँ पर यहाँ 600 रुपये पहला 500 था जी फिर 10-10 हज़ार रुपये लौट गया जी ऐसा तो नहीं है कि किसी और जात को कम मिल रहा है और को ज़्यादा मिल रहा हो ये तो पूरा देश में मतलब एक सी कीमतें ही बढ़ी हैं उसकी हाँ जी एक सी कीमती है जी तो उसका असर जेब पर पड़ा है हाँ जेब पर पड़ा जी अच्छा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग मतलब जो उनका कहना यही है जो लोग काम कर रहे हैं इस एजेंसी में कि दिन प्रतिदिन जैसे ही कीमत बढ़ती है उसका एक असर देखने को मिलता है और जो पहले जितने सिलेंडर लगते थे अब उनकी संख्या कम हो गई है आज लगने की
तो ये देख सकते हैं कि आम आदमी जो गरीब आदमी है, मेहनत मशक्कत करने वाला है, उसकी लगातार ये रसोई गैस का सिलेंडर उसकी पहुंच से दूर होता नज़र आ रहा है। दिन प्रतिदिन हर महीने दर महीने उसकी पहुंच से ये सिलेंडर दूर हो रहा है। एक और अंकल जी हैं क्या? अच्छा रहने दो। अच्छा आप, हाँ जी भाई जी, आप क्या कहोगे भाई जी? देखो जी, बहुत जो ये सिस्टम चल रहा है ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा 25 रुपये अब बता दिए, इससे पहले भी कुछ दाम बताए थे सिलेंडर के, तो बहुत गलत है भाई। मतलब कि जो गरीब आदमी है, जैसे हम मध्यम वर्ग के हैं, उससे नीचे वाले हैं, उनको बहुत औखा काम हो जाता है जी। मतलब कि भाई इतना सिलेंडर लेना कहाँ से लेंगे जी? वो बिल्कुल 200-250 की मजदूरी करते हैं, कहाँ से लेंगे वो सिलेंडर भाई साहब? तो ये बहुत गलत है भाई साहब। मैं यही दरख्वास्त करूँगा भाई सबको, भाई इतने दाम नहीं चाहिए बढ़ाने। मतलब हिसाब से जो दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है, चाहे पेट्रोल डीजल की बात करें या रसोई गैस की बात करें, हर चीज महंगी होती जा रही है, तो आम आदमी के लिए कितना ये मतलब नुकसान दे? आम आदमी के लिए है ये भाई बहुत ज्यादा नुकसान है। जैसे गरीब आदमी क्या करेगा भाई? मतलब कि 200-250-300 रुपये की दिहाड़ी करने वाला आदमी, तो इतनी महंगाई में दाल महंगी होगी, सब्जी महंगी होगी, चीनी महंगी होगी, सब चीज, ये रसोई गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, सब महंगे हो गए हैं, तो कैसे इनका गुजारा होगा भाई? रसोई गैस की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, हर महीने दर महीने बढ़ रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि जनता की जेब पर इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी, जनता की जेब हर दिन खाली हो रही है, पेट्रोल हो, डीजल हो, रसोई गैस हो, हर दिन कीमतें हर रोज बढ़ रही हैं। अब पीछे 25 रुपये बढ़ाई थी, अब कल या परसों का फिर नोटिफिकेशन है 25 रुपये और बढ़ रहे हैं। उपले या उन चीज़ों पे दोबारा लौटने की नौबत आ गई है, धुएं की तरफ दोबारा से लोग अब 1000 रुपये का। सरकार तो उज्ज्वला योजना के दावे कर रही थी कि हमने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर बांटे हैं गैस को। देखिए सर, आप जैसे उज्ज्वला का जो स्कीम थी उस टाइम पे मैंने, मेरे को भी मिला था वो, बट आप स्टार्टिंग में देखोगे मैंने एक साल में 12 सिलेंडर के आसपास, 12 तो नहीं बट 9 या 10 के आसपास थे। अब मेरा ही खर्च लगा लीजिए तो मैं उनमें से 3 या 4 ही भरा पाता हूँ। देख सकते हैं, जनता यही कहती है कि महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी, जनता की कमर को बिल्कुल तोड़ के भी तोड़ मरोड़ दिया है। कहीं ना कहीं ये लगता है जब दिन प्रतिदिन पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ते हैं, रसोई गैस की कीमतें बढ़ती हैं, तो आम आदमी किस प्रकार से जीवन व्यापन कर पाएगा, किस प्रकार से अपना घर का गुजारा कर पाएगा? तमाम खर्चे होते हैं घर में, रसोई गैस की बात करें, डीजल पेट्रोल की बात करें या बिजली के बिल की बात करें, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर स्वास्थ्य के तमाम खर्चे होते हैं। इन खर्चों के बीच वो कैसे अपना जीवन व्यापन कर पाएगा? और अगर ये खर्चे लगातार उनके बढ़ते गए तो ये कब तक चलेगा? आम जनता कब तक इसको सहन कर पाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। जो सरकार पिछले दिनों बड़े बड़े वादे करती थी, उज्ज्वला योजना के तहत बड़ी बड़ी बातें की गई थी, लेकिन जमीन पर उसकी सच्चाई कुछ और ही नजर आ रही है, कुछ और ही बातें हो रही हैं, जनता कुछ और ही सोच रही है। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। कैमरा सहयोगी अजय के साथ मैं प्रवीण कुमार।